हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ जयेश एंड यू आर वाचिंग क्रेजी ऑटोमोबाइल। दोस्तों, बात करते हैं कावासाकी निंजा H2 के एक्सेसरीज के बारे में और साथ ही साथ बात करेंगे इसके टेक्निकल स्पेसिफिकेशन के बारे में। उससे पहले बता देना चाहता हूँ, अगर आपको किसी भी बाइक, कार, स्कूटर के एक्सेसरीज के बारे में जानना हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो। एक्सेसरीज का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप चाहे तो वहां से डायरेक्टली एक्सेसरीज को परचेस कर सकते हो। और हाँ, प्राइस अप डाउन होता रहता है, तो आप ये मत सोचना कि मैं कुछ और बोल रहा हूँ और यहाँ पे कुछ और दिखा रहा है। तो आइए देखते हैं वो कौन से एक्सेसरीज है जो अवेलेबल है कावासाकी निंजा H2 के लिए। एयर इनटेक कवर, दोस्तों ये कार्बन फाइबर से बना है। कार्बन फाइबर बहुत ही लाइट वेट होता है और बहुत ही मजबूत होता है। इसे आप अपने इंटेक में लगा सकते हो और इसका प्राइस है 23,507 रुपीस। टैंक ग्रिप, दोस्तों ये हाई क्वालिटी पॉलीयुरेथेन से बना है। सर्कुलर एम्बोस पैटर्न देखने को मिलता है। इसे लगाने से कॉर्नरिंग में बहुत अच्छा कॉन्फिडेंस मिलता है। लॉन्ग लास्टिंग प्रोडक्ट है और इसका प्राइस है 3,800 रुपीस। रेसिंग विंड स्क्रीन, दोस्तों ये 3mm हाई इंपैक्ट एक्रेलिक से बना है जो बहुत ही ज़्यादा मजबूत होता है। हाई स्पीड में बहुत अच्छा प्रोटेक्ट करता है विंड ब्लास्ट से। 3 बेस्ट कलर के ऑप्शन में अवेलेबल है, स्मोक कलर, क्लियर कलर, ब्लैक कलर, और इसका प्राइस है 15,700 रुपीस। रेडिएटर गार्ड, दोस्तों ये एल्युमिनियम से बना है, ब्लैक कलर पाउडर कोटिंग के साथ आता है। हाई स्पीड में बहुत अच्छा प्रोटेक्ट करता है आपके रेडिएटर को और इसका प्राइस है 13,900 रुपीस। फेंडर एलिमिनेटर, दोस्तों ये स्टेनलेस स्टील एंड एल्युमिनियम से बना है। CNC मशीन से डिज़ाइन किया गया है। इसमें आपको योशीमुरा का लोगो देखने को मिलता है। LED प्रीमियम लाइट देखने को भी मिलता है और इसका प्राइस है 18,200 रुपीस। सीट कवर, दोस्तों ये 2 बेस्ट कलर में अवेलेबल है। लुई मोटो ने डिज़ाइन किया है H2 के लिए। इसमें आपको कार्बन फाइबर टेक्सचर देखने को मिलता है। इसका जो कुशनिंग है वो बहुत ही सॉफ्ट है और दिखने में बहुत अच्छा लग रहा है, जैसा कि आप देख सकते हो। और इसका प्राइस है 22,800 रुपीस। टेल टैडी, दोस्तों ये एल्युमिनियम से बना है। CNC मशीन से डिज़ाइन किया गया है। ब्लैक कलर पाउडर कोटिंग के साथ आता है और इसका प्राइस है 22,600 रुपीस। फ्रंट फोर्क, दोस्तों ये प्रोटेक्ट करता है ब्रेक कैलिपर को, डिस्क को और इसके फोर्क को और इसका प्राइस है 5,400 रुपीस। लीवर गार्ड, दोस्तों ये कार्बन फाइबर से बना है। ये प्रोटेक्ट करता है आपके ब्रेक लीवर को और क्लच लीवर को। इसका प्राइस है 22,600 रुपीस। क्रैश प्रोटेक्टर, दोस्तों ये एल्युमिनियम से बना है। CNC मशीन से डिज़ाइन किया गया है। ब्लैक कलर कोटिंग के साथ आता है। प्रोटेक्ट करता है बाइक को स्क्रैच लगने से और इसका प्राइस है 47,000 रुपीस। फोल्डिंग क्लच एंड ब्रेक लीवर, दोस्तों ये एल्युमिनियम से बना है। 6 स्टेप में एडजस्ट कर सकते हो। ब्लैक कलर कोटिंग के साथ आता है। बाइक गिरने पे टूटता नहीं क्योंकि ये फोल्डिंग होता है। CNC मशीन से डिज़ाइन किया गया है और इसका प्राइस है 20,800 रुपीस। हैंडल बार एंड, दोस्तों ये एल्युमिनियम से बना है। इसके जो स्क्रू है वो स्टेनलेस स्टील से बने हैं। RNG ने डिज़ाइन किया है H2 के लिए और इसका प्राइस है 5,300 रुपीस। ब्रेक रिजर्व कैप, दोस्तों ये भी एल्युमिनियम से बना है। CNC मशीन से डिज़ाइन किया गया है। ये भी अलग अलग कलर में अवेलेबल है और इसका प्राइस है 882 रुपीस। तो दोस्तों ये थे वो एक्सेसरीज जो अवेलेबल है कावासाकी निंजा H2 के लिए। एक बार फिर से बता देना चाहता हूँ, इन सब का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप चाहे तो वहाँ से डायरेक्टली परचेस कर सकते हो। और अब बात करते हैं H2 के टेक्निकल स्पेसिफिकेशन के बारे में। तो
इसमें आपको 998 सीसी का 4 सिलेंडर सुपरचार्ज लिक्विड कूल DOHC BS6 पेट्रोल इंजन मिलता है 6 स्पीड मैनुअल गियरबॉक्स के साथ। 231 PS का पावर मिलता है एट 11,500 RPM। 141.7 न्यूटन मीटर का टॉर्क मिलता है एट 11,000 RPM। चैसी एंड सस्पेंशन के बारे में बात करें तो ट्रेलिस हाई टेंसाइल स्टील चैसी मिलता है। फ्रंट में आपको 41mm का इनवर्ट फोक मिलता है। रियर में आपको गैस चार्ज मोनोशॉक सस्पेंशन मिलता है। टायर के बारे में बात करें तो फ्रंट में आपको 120x70x17 इंच का ट्यूबलेस टायर मिलता है। रियर में आपको 200x55x17 इंच का ट्यूबलेस टायर मिलता है। ब्रेक्स के बारे में बात करें तो फ्रंट में आपको डुअल डिस्क ब्रेक मिलता है 330mm का। रियर में आपको सिंगल डिस्क ब्रेक मिलता है 250mm का। 15-18 किलोमीटर पर लीटर का माइलेज मिलता है 70 लीटर फ्यूल टैंक कैपेसिटी के साथ। बाइक का वेट है 238 kg। बाइक का सीट हाइट है 830mm। बाइक का ग्राउंड क्लियरेंस है 130mm। लाइट्स के बारे में बात करें तो फ्रंट में आपको प्रोजेक्टर हेडलैम्प देखने को मिलता है। रियर में आपको LED लाइट्स देखने को मिलते हैं। इंडिकेटर में भी आपको LED लाइट देखने को मिलते हैं। सेफ्टी फीचर्स के बारे में बात करें तो इसमें आपको डुअल चैनल ABS मिलता है, ट्रैक्शन कंट्रोल मिलता है, राइडिंग मोड्स मिलता है, लॉन्च कंट्रोल मिलता है, क्विक शिफ्टर मिलता है, एनालॉग एंड डिजिटल कंसोल देखने को मिलता है। और बाइक का एक्शोरूम प्राइस है 34,99,000 रुपीस। तो कैसी लगी आपको कावासाकी निंजा H2, आप हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। वैसे इसका एक और वेरिएंट अवेलेबल है जिसका नाम है H2R, जो 400 के स्पीड तक जाती है, 0 to 400 26 सेकंड में कवर करती है। अगर आपने वीडियो नहीं देखा तो मैंने इंस्टाग्राम पे अपलोड कर दिया है, ये मेरा इंस्टा आईडी, आप वहाँ पे देख सकते हो। तो दोस्तों इसी के साथ वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, शेयर करो अपने दोस्तों के साथ। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ।